नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं निखिल। देखिए, एक तरफ 13 जनवरी को तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। मतलब बता दें कि बीपीएससी के तहत कई परीक्षाएं जो ली जा रही हैं, वहीं अब बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को भी बहाल कर रहा है। बता दें, जिस तरीके से पहले फेज की बहाली में 1,20,000 के लगभग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, वहीं 13 जनवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, पहले आप एक बार सुने। ये नियुक्ति पत्र के पीछे जो सच है आने वाला दिन में उजागर होगा। किस तरह का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, युवा के प्रतिभाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया के तहत जो वातावरण बनना चाहिए, जो शैक्षणिक संस्थान के अंदर शैक्षणिक वातावरण को तहस नहस कर रहे हैं, आज आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री के बार बार हस्तक्षेप के कारण किस तरह से अपर मुख्य सचिव पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हटने के लिए तैयार हैं। अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सच है कि ये अराजकता का वातावरण बन रहा है और नियुक्ति के नाम पर आईवास ज्यादा हो रही है। ये 4 लाख नियुक्ति तो एनडीए के समय में ही हम लोग फाइनल करके आए थे, लेकिन इस माहौल में कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। नियुक्ति के अंदर हमने मांग किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो ताकि सच सामने आ सके। बहुत सारे लोग पद छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज को दबाई क्यों जा रही है, क्यों नहीं उसकी मांग पर गंभीरता से समीक्षा हो रही है, कि ये तमाम विषय को लेना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति। बहुत सारे पद खाली हैं, लगभग 20,000 के नियुक्ति की बात इन्होंने किया था और ये अभी 17-18 महीना में लाख नियुक्ति में भी हेर फेर, जबकि 4 लाख की नियुक्ति पहले से ही क्लियर थी, एनडीए सरकार के समय से क्लियर थी, लेकिन नियुक्ति के नाम पर घोटाला का इनका स्वभाव है। इसमें भी अपने चांस और अपने लाभ को ये लोग देखने में लगे हैं, जिससे ये गड़बड़ी हो रही है। अब महागठबंधन के अंदर दो स्वार्थी लोगों का, दो ठगबंधनों की जमात है। कौन किसको ठगता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अवसरवादिता की राजनीति करने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। तो आपने कहा, सुना कि देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र ये तमाम जो लोग हैं ठगने का काम कर रहे हैं, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, और तमाम बातों पर अपनी राय रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।